नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में देखने वाले एक बड़े बैंक के बारे में जिसका नाम है IDBI बैंक लिमिटेड। तो IDBI बैंक के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है IDBI बैंक के लिए, पूरे डिटेल में देखने वाले। तो जैसे कि आपने देखा रहेगा, जो IDBI का स्टॉक है पिछले 5 दिन में लगभग यहाँ पे 12% से ज़्यादा भाग चुका है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानेंगे। आप लोग देख सकते चार्ट पैटर्न, यहाँ पे लास्ट सेशन में क्या हुआ था, बाज़ार जैसे ही क्लोज होने वाला था उस टाइम पे बहुत ही बड़ी यहाँ पे जंप आ चुकी थी। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानेंगे, क्या आगे जाके जो IDBI स्टॉक है मल्टी बैगर हो सकता है कि नहीं, आगे जाके इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, क्या यहाँ पे 100 रुपये के आसपास जा सकता है कि नहीं, पूरे डिटेल में जानने वाले। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक लेते हैं तो खुद का स्टडी ज़रूर कीजिए। तो आप लोगों को पता रहेगा जो IDBI बैंक की जो होप है एक है, वो है प्राइवेटाइजेशन यानी डाइवेस्टमेंट। अगर यहाँ पे डाइवेस्टमेंट हो जाता है तो यहाँ पे स्टॉक में बहुत मतलब बहुत बड़ी रैली आने के चांसेस है। डाइवेस्टमेंट मतलब होता क्या है, यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा जो IDBI बैंक है इसमें गवर्नमेंट और LIC का स्टेक है लगभग 94% के आसपास स्टेक है। जो गवर्नमेंट का स्टेक है 45% और जो LIC है वो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो है 49%। तो कुल मिला के जो स्टेक है लगभग 94% के आसपास स्टेक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है अपना स्टेक बेचने वाले, गवर्नमेंट और LIC मिलकर लगभग 60% का स्टेक बेचने वाले। तो जब भी स्टेक बेचा जाता है तो क्या होता है, सामने से बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और यहाँ पे बीड लगाने की कोशिश करती है। तो जो भी ज़्यादा बीड लगाएगा उसको जो कंपनी हैंड ओवर की जाती है, तो क्या होता है यहाँ पे जो पूरा मैनेजमेंट है एक प्राइवेट कंपनी संभाल सकती है आने वाले समय में। तो मार्केट ये मान रहा है कि अभी तो फिलहाल आगे जाके जो IDBI बैंक है इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी आएगी और IDBI बैंक है इसको यहाँ पे खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का ब्रेकिंग न्यूज़ इसी से रिलेटेड है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं क्या बोला है, यहाँ पे जो IDBI बैंक है यहाँ पे 12% की जो तेज़ी है उसका जो पीछे का रीज़न है RBI। तो RBI ने क्या किया, जो भी EOI रहता है यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जो बड़ी कंपनी रहती है IDBI बैंक खरीदने के लिए अपना अपना इंटरेस्ट यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे RBI ने क्या किया, जो भी EOI सबमिट किया था अक्टूबर मंथ में उसका वैल्यूएशन करना स्टार्ट किया। इसके वजह से इतनी बड़ी तेज़ी आई थी यहाँ पे थर्सडे की दिन। तो आने वाले समय में जो तेज़ी यहाँ पे लगातार हो सकती है, देखिए अभी तो फिलहाल क्या है यहाँ पे रिस्क ये है कि अगर देखिए फॉर द एग्जांपल 1% चांस रहेगा जो डाइवेस्टमेंट है या फिर प्राइवेटाइजेशन है अगर फेल हो जाता है तो जिस रफ्तार से स्टॉक भाग रहा है उस रफ्तार से गिर भी सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। तो आने वाले समय में जो IDBI बैंक है इसका डाइवेस्टमेंट हो सकता है और गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच सकते हैं किसी प्राइवेट प्लेयर को, उसके बाद जो IDBI बैंक है पूरा प्राइवेट हो जाएगी और यहाँ पर बहुत ही बड़ी तेजी आ सकती है आने वाले समय में। ये तो था आज का वीडियो यहाँ पे IDBI बैंक के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।